अब जिस तरह मैं अभी अपने क्लिनिक के अंदर बैठा हूँ, तो ये मेरे क्लिनिक का नक्शा है। दिस मीन्स ये इसका मैप है, ये क्लिनिक है और यहाँ पे इसका गेट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेंटल यूनिट रखा हुआ है और यहाँ पे एक टेबल है और एक चेयर है, और ये हिस्सा पूरा मेरा वेटिंग रूम है। अब जिस तरह ये एक नक्शा है, इसको हम लोग मैप कहते हैं। अब इसी तरह मेरा क्लिनिक जो है ये कराची के अंदर है, और ये कराची का नक्शा है। इसके अंदर गुलशन इकबाल यहाँ पर है, गुलशन मैमार इस तरफ है, ठीक है, लांडी और कोरंगी जो है इस तरफ आता है, डिफेंस जो है यहाँ पर है, कारसाज इधर है। तो इस तरह हम लोग किसी एक शहर का भी नक्शा हमारे पास होता है, जिसको हम लोग सिटी का मैप कहते हैं। अब कराची जो है ये सिंध का हिस्सा है, एंड सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जिस तरह कराची का भी हमारे पास एक नक्शा मौजूद है, इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान का भी एक नक्शा मौजूद है। अब ये जो है पाकिस्तान का नक्शा है, इसमें यहाँ पे हमारे पास सिंध है, ये पूरा हिस्सा बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, एंड गिलगित बल्तिस्तान है। अब जिस तरह एक घर होता है और घर के बराबर में उसके पड़ोसी होते हैं, तो इसी तरह एक मुल्क के बराबर में भी उसके पड़ोसी होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के चार पड़ोसी हैं। सबसे पहला पड़ोसी हमारा इंडिया है, और उसके बाद ईरान है, अफगानिस्तान है और चाइना है। ये हमारे मुल्क के पड़ोसी हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान से हमारा कोई ना कोई जानने वाला सऊदीया, दुबई, शारजा इस तरह के किसी सिटी में या मुल्क के अंदर गया हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारा मुल्क यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, तो यहाँ से लेके सऊदीया जो है ये दूसरा मुल्क है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ये एक दूसरा स्टेट है। पाकिस्तान से कोई भी जिसको सऊदीया या दुबई वगैरह जाना होता है, तो वो यहाँ से मोस्टली बाई प्लेन, हवाई जहाज़ के ज़रिए यहाँ पर आता है, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस भी पाकिस्तान में आता है। तो इस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में इतना बड़ा फासला है, जो कि हम लोग हवाई जहाज़ से मोस्टली तय करते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर ही रियाद भी है, जद्दा भी है, मक्का मदीना भी है, और कुछ और बड़े शहर भी हैं। जहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पे हमारे पास दुबई है, शारजा है और अबू धाबी है। तो ये शहर ऐसे हैं जिनके नाम हमने अक्सर सुने भी हैं। तो जो पाकिस्तान में रहता है वो यहाँ पे आराम से जा सकता है हवाई जहाज़ के ज़रिए। अब ये हमारी पूरी दुनिया का नक्शा है। इस नक्शे के अंदर हम लोग ने जिस तरह मुल्क कुछ सिटीज़ को मिला के एक मुल्क को कंसिडर करते थे, तो इसी तरह कुछ मुल्क को मिला के हम लोग उसको एक कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का होता है, जिसमें डिफरेंट ममालिक शामिल होते हैं। जिस तरह हम लोग का पाकिस्तान जो है यहाँ पर है इस वक्त, और ये पाकिस्तान एशिया के अंदर शामिल होता है। जो दूसरा हमारे बराबर में है वो यूरोप का कॉन्टिनेंट है, इसी तरह एक अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे अमेरिका और कनाडा है वहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर शामिल होता है। इसी तरह का एक और कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है, और एक ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह एक और कॉन्टिनेंट हमारे पास अंटार्कटिका का भी है। ये हमारे पास सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, एंड जो पानी का बड़ा हिस्सा होता है हम लोग उसको ओशियन कहते हैं। जिस तरह हम लोग ने कॉन्टिनेंट्स के अंदर ज़मीन को डिवाइड किया हुआ है, इसी तरह हमने पानी को भी ओशियंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है।
हमारे ज़मीन के ऊपर टोटल पांच बड़े ओशियंस हैं। पहला है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन, और उसके बाद यहाँ पे होता है अंटार्कटिक ओशियन। तो ये हमारा टोटल एक दुनिया का नक्शा होता है जिसके अंदर हम लोग अभी रह रहे हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर एक मैप होने का आपको अंदाज़ा होता है कि ये मैप क्या चीज़ है, जो हम लोग नक्शा ड्रॉ करते हैं वो क्या चीज़ होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगी हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर लियो राशिद, थैंक यू।